नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सांथलपुर में गौशाला मामले में बीते दिनों करीब 61 गायों की मौत हो चुकी थी, जिसको लेकर पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेके जेल भेज दिया था। और वहीं आज मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना आदमपुर के गांव सांथलपुर का है, जहां पर चारे को खाने से गाय बीमार हो गई, जिसमें कुछ की समय रहते करीब 61 गायों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज मुख्य आरोपी ताहिर और कमल और साथ ही रघुनंदन को गिरफ्तार किया है। थाना आदमपुर का मामला है, जिसमें पुलिस को जो रिपोर्टेड डेथ थी वो 55 गाय की मौत हुई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। विगत कल 3 लोगों की और गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य अभियुक्त ताहिर को भी हिरासत में लिया गया। इसमें हमारी CO साहब की जो टीम थी, SOG सर्विलांस एवं थाना की जो टीम थी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इनकी कल गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जो इंटेरोगेशन की गई इन तीनों अभियुक्तों से, ये सामने आया है कि ग्राम प्रधान और ताहिर की आपस में एक इनके द्वारा ठेका लिया किया गया था। तो बुलंदशहर के सयाना कस्बे में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CCTV कैमरे में सयाना कस्बे के बुगसारी चौराहे, हापुड़ अड्डा चौराहा, गांधी मेमोरियल स्कूल के पास ये कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की अगुवाई में लगाए गए, जिससे कि जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। हमने बुगराती चौराया और हापुड़ चौराया और बम्बे पर, ये 3 पॉइंट यहाँ CCTV कैमरे लगाए हैं सुरक्षा की नज़र से, जनता को देखते हुए, क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें जब कोई शहर में घटना होती है तो CCTV कैमरा एक ऐसा माध्यम बन गया है जो बहुत बहुत ही ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होता है, प्रशासन को, पुलिस को, हमारा पुलिस महकमा, उसको बहुत फ़ायदा होता है। अभी पीछे एक हमारी घटना हुई, वो CCTV के माध्यम से ही खुली, इसी को देखते हुए, ताकि यदि कोई शहर में ऊपर वाला ना करे, इस तरह की कोई बात होती है तो उससे हमारे प्रशासन को भी मदद मिले और इससे क्राइम भी रुके। क्योंकि जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लड़कियों का निकलना, महिलाओं का आना जाना, तो ये सब चीजें, एक CCTV ऐसी चीज है जिससे ये घटनाएं रुकती हैं। बुलंदशहर में ब्रजघाट से लौट रहे लोगों से भरे छोटे हाथी को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें घायलों को अस्पताल में पुलिस द्वारा पहुंचाया गया। पब्लिक इंटर कॉलेज सयाना के पास से पूरा हादसा हुआ, जहां लोगों से भरा छोटे हाथी को ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। सैयद राजा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जो कंटेनर से 628 पेटी विदेशी शराब, 86 पेटी बियर बरामद हुई है। पुलिस द्वारा अनुमानित करीब इसकी कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान कंटेनर हाथ में आ गया था, जहां पे पुलिस कांस्टेबल सहित शराब को कब्जे में लेकर तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नौबतपुर एरिया NH2 से पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। थाना सैयद राजा में 8 तारीख को चेकिंग के अभियान के अंदर पुलिस द्वारा और आबकारी टीम द्वारा मिलकर एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें लगभग 628 जो बक्से थे वो इंग्लिश लिकर के थे, विस्की के थे, और लगभग 86 बॉक्सेस जो थे वो बियर के थे। इन सभी बॉक्सेस के ऊपर ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था। तो ये पता लगा, जानकारी प्राप्त हुई कि ये सारा जो माल है ये हरियाणा से स्मगल होके बिहार की तरफ जा रहा था, और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हाईवे के ऊपर जब पुलिस द्वारा चेकिंग की गई तो इस ट्रक को सीज किया गया और इसमें से ये सारा माल बरामद हुआ है। इसकी सभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर पुलिस काम कर रही है कि किसके द्वारा माल भेजा गया और किसको ये माल आगे जा रहा था, और इन सभी के ऊपर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो स्मगलिंग के द्वारा, लिकर स्मगलिंग के अंदर जो इन्होंने संपत्ति बनाई है, सभी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हुसैनगंज क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की कुछ दिन पहले ही चाकू मार के उसके साथ लूट की गई थी, जहां इस लूट के खुलासा हुआ है। DCP सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर DCP माध्य की सर्विलांस टीम ने 5 लुटेरों को दबोच डाला। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से सर्विलांस टीम ने 2 रिंग और 2 चैन साथ नकदी भी बरामद किए। व्यापारी को दुकान में बांध कर लूट के वारदात को अंजाम दिया गया था।
एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 12:30 करीब हम लोगों को कि थाना हुसैनगंज क्षेत्र में एक व्यापारी बंधु है जिनका नाम विष्णु अग्रवाल जी है, उनकी जो दुकान थी जो उनका ऑफिस था उसमें तीन लोग अंदर घुसे और उनके साथ उन्होंने उनको चाकू से घायल किया और साथ में ही उनकी जो चेन थी और अंगूठी थी और कुछ जो कैश उनके पास में था उसको वो लूट कर ले गए। ये घटना करीब 12 से 12:30 के बीच की घटना है जिसमें हमारे पिताजी मिस्टर विष्णु अग्रवाल इनके ऊपर तीन अज्ञात व्यक्ति घुसे। पहले दो व्यक्ति आए सामने के गेट से और वो मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांधे हुए थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर तुरंत चाकू लेकर उनके गले पर चाकू रख दिया और तुरंत अटैक कर दिया। जबकि हमारे पिताजी ने पूछा कि भाई कौन हो तुम लोग ये सब, तो वो तुरंत उनको पकड़ लिया। हमारे पिताजी ने चाकू पकड़ने की कोशिश करी और तभी उनकी चाकू उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन वो लोग तभी उनको मारते रहे, हमारे पिताजी को दो व्यक्ति मारते रहे। तभी तीसरा व्यक्ति भी अंदर आया, अब वो उनको उठा के अंदर के कमरे में ले गया, ऑफिस के बगल में अंदर एक कमरा था। लखनऊ से बाराबंकी रोड के सफेदाबाद में भीषण एक्सीडेंट हो गया जहां दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा क्रेन को बुलवाकर लोगों को निकाला जा रहा है। ये इतना भीषण हादसा था कि जिसमें लोगों की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सहित कई लोग यहां मौके पर मौजूद रहे। छठी का राज जयंत स्थित मेरो ब्रज में चल रहे शिव आराधना में प्रदेश कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने शिव भक्तों के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाए। महाशिव पुराण कथा श्रवण करा रहे देवकी नंदन महाराज ने आशीर्वाद ग्रहण कर साथ ही प्रिया कांतेश्वर महादेव का अभिषेक कर आरती उतारी। श्रावण के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों ने 5,01,000 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक अभिषेक किया। महादेव की कृपा है, हमने ये उत्सव होने से प्रारंभ होने से पहले ही याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनसंख्या एक जो विस्फोट होता जा रहा है हमारे देश में, आप देखिए जेलें भरे पड़ी हैं, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं, बस स्टैंड भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को कहीं ना कहीं, तो क्योंकि एक सीमित समाज है, सीमित दायरा है, संसाधन सीमित है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। आज 32वें दिन यहाँ पहुँचे, महादेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय आएगा और महादेव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। मथुरा के वृंदावन में साध्वी दीदी मां रितंबरा के वात्सल्य ग्राम से एक राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर साध्वी रितंबरा के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं इस यात्रा के द्वारा संविदा गुरुकुलम स्कूल की छात्राएं यहां से राखियां लेकर 10 तारीख को बाघा बॉर्डर के लिए रवाना होंगी, तो एक दल दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राखी बांधने जाने वाली है, तो वही कुछ छात्राएं लखनऊ सीएम योगी और कुछ बच्चियां मथुरा में तैनात सेना के जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधने वाली है। मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना क्षेत्र के गांव कुरथल में एक 16 वर्षीय युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इसका मात्र 12 घंटे में थाना बुढ़ाना पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो वही हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि युवक की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्यार में अंधी उसकी माँ है। मृतक की माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 16 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया, उसके शव को ट्यूबवेल की होदी में डाल दिया, जिसकी सूचना थाना बुढ़ाना पुलिस को मिली। बुढ़ाना पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना क्षेत्र के कुरथल में कल सुबह एक ट्यूबवेल के हौद में एक 16 वर्षीय बच्चे की बॉडी मिली। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था, उसकी शिनाख्त की गई थी। इस संबंध में जो मृतक लड़का था 16 साल का, उसकी मां की तरफ से अज्ञात में हत्या का मुकदमा थाना बुढ़ाना पर दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर इस हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आवारा पशुओं से तंग आकर किसानों का गुस्सा फूटा। यहां नाराज किसानों ने ब्लॉक परिसर पहुंच नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया था। वहीं आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने कई गांव के सैकड़ों किसान के साथ मिलकर लगभग आधे दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आवारा पशुओं को भरकर बड़ा ब्लॉक पहुंचकर वहां आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए बीडीओ को ज्ञापन सौंपा।
देखिए जी, जो आवारा पशु घूम रहा है किसानों की फसल चट करने के लिए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी कल ही आगे पिपरिया मोड़ पे ढका घनश्यामपुर में एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ वो बेचारा किसान उससे टकराया और उसका सर नीचे लगा और बेचारा खत्म हो गया। परसों हमारे किसान भाई ने उसका जो फसल थी पूरी वंशों द्वारा चर ली गई। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।